हेलो एवरीवन नमस्कार दोस्तों स्टार्ट करते हैं वोकेबलरी का सेशन हमने काफ़ी दिनों से वोकेबलरी स्टार्ट करी और हमारे शायद पाँच से छः सेशन हो चुके हैं तो आज से फिर हम आगे बढ़ाते हैं और दस वोकेबलरी को लेकिन इसके लिए आज मैं आपको एक टास्क देने वाला हूं आज आपको क्या करना है दोस्तों जो मैं आपको टेन वोकेबलरीज करवाऊंगा उनमें से कोई भी दो वोकेबलरी कोई भी दो वोकेबलरी आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए यूज़ करनी है राइट बेस्ट फ्रेंड के लिए यूज तो करनी है लेकिन साथ ही साथ आपको मुझे कमेंट बॉक्स में उसके सेंटेंसेस बना के भेजने हैं राइट आई विल वेट फॉर दैट गाइस केवल व्यूज और सब्सक्राइब से काम नहीं चलने वाला यहां पे यहां पे मुझे मालूम पढ़ना चाहिए कि नहीं हाँ हम लोग पढ़ रहे हैं हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो गाइज यदि कहीं कोई भी गलती होगी तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा तो ध्यान रखें इन टेन में से कोई भी दो वोकैबुलरी अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए जो उसके बिहेवियर कैरेक्टर से मिलती जुलती वोकैबुलरी है आप यूज करेंगे और उसके दो सेंटेंसेस मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे राइट right? तो ध्यान रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज से अगेन इंग्लिश का सेशन सो so, आज की नंबर वन वोकैबलरी है हमारी वैनल वैनल वीई एन एल वैनल एंड द मीनिंग ऑफ वैनल इज करप्शन या फिर डर्टी गंदा या फिर भ्रष्ट यहां पे गंदा जो है कपड़ों से गंदा नहीं है यहां पे कैरेक्टर में गंदा है सो so, गंदे का मतलब हो गया दोस्तों डोटी और या फिर करप्शन यही वोकेबलरी है किसके लिए वैनल के लिए सो so, आइए करते हैं सेंटेंस द जज इज नोन फॉर बींग वैनल एंड इजिली बॉट द जज इज नोन फॉर बींग वैनल एंड इजिली बॉट वॉट डज इट मीन इट मीन जो जज है ना वो अपने करप्शन के लिए जाना जाता है और बहुत आसानी से खरीदे जाने के लिए दिस इज वॉट कॉल नंबर सेकेंड नंबर सेकेंड है आज की क्यूपिडिटी क्यूपिडिटी सी आई डी आई टी वाई एंड द मीनिंग ऑफ क्यूपिडिटी इज अवैर ए वी ए आर आई सी या फिर ग्रीड जी आर ई डी मीन इट मीन्स लालच ग्रीड मींस लालच सेम अवेरस और सेम क्यूपिडिटी राइट आइए करते हैं सेंटेंस सेंटेंस में मैं आपसे कहूंगा जॉन्स क्यूपिडिटी लैड हेम टू रॉप द बैंक जॉनस क्यूपिडिटी लैड हेम टू रॉप द बैंक इट मीनस जॉन का जो लालच है उसने उसको बढ़ाया बैंक को लूटने के लिए मतलब जॉन इतना लालची हो गया कि उसने क्या कोशिश करी उसने हिम्मत करी कि वो बैंक को लूट ले राइट right? आइए करते हैं नंबर थर्ड वकेबलरी नंबर थर्ड है आज की मेडल मेडल एम ई डबल डी एलई मेडल मीनिंग ऑफ मैडल इज इंटरफेयर या ऑबस्ट्रक्ट मीन्स किसी के फटे में टांग अड़ाना इस कॉल मेडल इंटरफेयर कहते हैं ना कि भाई इंटरफेयर मत करो दिस इज वॉट वी कॉल मेडल एम ई डबल डी एल ई आइए करते हैं सेंटेंस पीपुल शुड नाट मैडल विथ थिंग्स दे डोंट अंडरस्टैंड लोगों को उन चीजों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए जो वो समझते नहीं है दिस इज व्हाट वी कॉल मेडल राइट नंबर फोर नंबर फोर है आज की डेस्पिरेशन डेस्पिरेशन ई एस ई आर ए टी एन डेस्पिरेशन एंड द मीनिंग ऑफ डेस्पिरेशन इज डेस्पेयर डेस्पेयर ई एस पी ए आई आर या होपलेसनेस होपलेसनेस मीन्स आशा को खो देना किसी के अंदर जो आशा थी वो आशा मर जाए वो आशा रहे ही नहीं दिस इज वॉट वी कॉल डेस्पिरेशन राइट सेंटेंस Finally, in desperation, he tried to flee the country. Finally, in desperation, he tried to flee the country. What does that mean? Finally, बहुत ज्यादा desperation में बहुत ज्यादा हतोत्साहित होके बहुत ज्यादा निरुत्साहित होके उसने क्या कोशिश करी उसने कंट्री को छोड़ देने की कोशिश करी वो कंट्री से भागने की कोशिश उसने की दिस इज what वी कॉल गाइज डेस्पिरेशन नंबर नेक्स्ट vocabulary. नेक्स्ट है आज की पर्सपिकेशियस पर्सपिकेशियस पीई आर एस पी आई सी ए सी आई ओ एस परसपीकेशियस एंड इट कीन की शार्प कीन होना या बहुत शार्प होना किसी भी चीज में बहुत तेज होना कहलाता है पर्सपिकेशियस सेंटेंस यूजिंग द पर्सपिकेशियस माइंड रजत कैन सॉल्व द क्वेस्ट इट्स इजी अपने बहुत चतुराई भरे दिमाग को यूज करते हुए रजत जो है वो सारी पजल को सॉल्व कर सकता है अपने चतुराई भरे दिमाग को यूज करते हुए रजत पूरी पजल सॉल्व कर सकता है दिस इज वॉट वी कॉल परेशियस क्लियर नंबर नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट है दोस्तों आज की स्ट्रैंगल स्ट्रैंगल एस टी आर ए एन जी एल ई स्ट्रैंगल द मीनिंग ऑफ स्ट्रैंगल इज ऑब्स्ट्रक्ट किसी को बाधा या रुकावट दे देना ऑब्स्ट्रक्ट या फिर हम कह सकते हैं टू चोक टू चोक मींस बंद कर देना बिल्कुल ही दिस इज वॉट वी कॉल स्ट्रैंगल सेंटेंस द कंपनी इज ट्राइंग टू स्ट्रैंगल द स्मॉल कॉम्पिटिशन ट्राइंग टू स्ट्रैंगल द स्मॉल कॉम्पिटिशन एक कंपनी है जो कोशिश कर रही है कि जो स्मॉल कॉम्पिटिशन है उनको बिल्कुल ही बंद कर दे मतलब उसके हिसाब से कॉम्पिटिशन चले लेकिन जो छोटे छोटे व्यापारी हैं या जो छोटे छोटे कॉम्पिटिशन को चलाना चाह रहे हैं उनको बिल्कुल ही क्या दे? Eliminate कर दे एलिमिनेट कर दे बिल्कुल ही चोक कर दे स्ट्रैंगल कर दे नंबर नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट करते हैं वेरेसिटी वेरेसिटी वीई आर ई सी आई टी वाई एंड द मीनिंग ऑफ वेरासिटी इज ट्रुथफुलनेस सच्चाई ट्रुथफुलनेस कहलाता है वेरेसिटी राइट एग्जाम्पल द जूरी डिड नॉट डाउट द वेरासिटी ऑफ विटनेस विटनेस की सच्चाई पे जूरी ने क्या नहीं किया ज़ूरी ने डाउट नहीं किया जूरी डिड नॉट डाउट द वेरासिटी ऑफ विटनेस राइट नेक्स्ट सेंटेंस अनसॉलिड अनसॉलिड यू एन एस यू डबल एल आई डी अनसॉलिड एंड द मीनिंग ऑफ अनसॉलिड इज प्योर प्योर या इमैक्यूलेट दोस्तों इमैक्यूलेट अगेन अनसॉलिड बहुत बेहतरीन वोकेबलरी है जिसका मतलब होता है बहुत ही शुद्ध बहुत ही प्योर सेंटेंस करते हैं इस पर एंड द सेंटेंस इज ही हैज अनसॉलिड रेप्यूटेशन ही हैज अनसॉलिड रेप्युटेशन उसका जो रेप्यूटेशन है वो बहुत ही अनसॉलिड है बहुत ही प्योर है मतलब लोग उसको उसकी प्योरिटी के लिए जानते हैं इस कॉल अनसॉलिड राइट नंबर नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट है आज की पिन्यूरियस पीई एन यू आर आई ओ यू एस पिन्यूरियस एंड द मीनिंग ऑफ पिन्यूरियस इज पॉवर्टी Poverty, P -O -V -E -R -T -Y, गरीबी कहलाती है राइट एग्जाम्पल पिन्यूरियस स्कूल सिस्टम है स्कूल का एक पिन्यूरियस सिस्टम था मतलब कोविड के बाद से जो सिस्टम चालू हुआ बच्चों के एडमिशन नहीं हुए तो सेंटेंस में कहा गया दिन स्कूल सिस्टम जो स्कूल का एक गरीबी वाला सिस्टम था उसने बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया उसको आ, उसने बहुत सारे टीचर्स को स्कूल से निकाल दिया हैड टू ऑफ यहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया दोस्तों ले ऑफ इसी को हम लेते हैं अपनी नेक्स्ट वोकेबलरी में आइए नंबर नेक्स्ट है हमारी ले ऑफ एल ए वाई ओ डबल एफ ऑफ द मीनिंग ऑफ ले ऑफ इज अवॉइड या फिर टू क्विट अवॉइड या क्विट छोड़ देना या टाल देना तुम्हें आवश्यकता है कि तुम उस प्रकार चॉकलेट्स को खाना छोड़ दो. ये है ले ऑफ इसी ले ऑफ को मैंने यूज किया था पिछले सेंटेंस में गाइस राइट right? तो ले ऑफ का मतलब आप ध्यान रखेंगे छोड़ देना निकाल देना बोथ द सेम मीन राइट गाइस सो ये थी हमारी टेन वोकैबुलरी फिनिश करते हैं आज मैं आशा करता हूं कि आपको वोकैबुलरी समझ में आई होंगी और हां मत भूलिएगा कि आपको इसपे दो सेंडेस बनाने हैं कोई भी टेन को लेके अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए और उसको मेरे कमेंट बॉक्स पे आपको भेजना है एंड देन आल चेक डैम एंड देन आल रिप्लाई सो थैंक यू फॉर टुडे मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में नमस्कार